गोरखपुर में गुरुवार को 24 घंटे के अंदर केवल 31 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित एक 70 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,615 पहुंच गया है। इनमें 19,893 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 332 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 412 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। गुरुवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 12 नए मरीज शामिल हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 4 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 3, कोतवाली में 2, राजघाट में 2 और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए मरीज मिले हैं। चरगावा में 7, बांसगांव में 1, कौड़ीराम में 1, उरुआ में 1, पिपराइच में 1, भटहट में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 7 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।